पिछले क्विज से अब तक शिवम को मैंने काम किया क्योंकि इंजीनियर्स क्या होते हैं काम होते हैं तो अगर हम काम लिए उनकी फाड़ देंगे ना मुझे ये नहीं समझ आता ये सब के सब मिलके हमको क्यों हराना चाहते हैं क्विज कौन सी है लेकिन मैथ्स ओ भाई मैं क्विट करना चाहूंगा दिस गाय हियर लव्स मैथ्स आई डोंट लव मैथ्स आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद इट मेरी मैथ टीचर हॉट थी तो यूजुअली किसी की नहीं होती यूजुअली लोग इंग्लिश टीचर हॉट होते हैं सब टीचर होते हैं मेरी मैथ टीचर बहुत हॉट थी तो घंटा पढ़ पाया हूँ मैं मैथ हाउ गुड आर यू एट मैथ्स मैं मैथ्स में उतना ही अच्छा हूँ जितना जॉश मैगी बनाने में है अभी तक बना के नहीं खिलाई है जॉश ने मुझे मैगी अभी तक व्हाट अ चीप शॉट व्हाट अ गाय अबे अगर मेंटल मैथ्स है तो मैं फाड़ दूंगा शायद क्योंकि जॉश भाई अलग लेवल है अंतिल पे तो हम कह सकते हैं इस बार नहीं हो कुछ कर पाएंगे बट जॉश आई बी योर चीयरलीडर आई बी द हाइप मैन लुक एट हिम इट वाज बी टू सी अगर मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते मेरे 95% बनते 12th में पर मेरे मैथ्स में बहुत गंदे आए थे तो मेरे 87 बने थे अब तुम खुद लगा लो मेरे मैथ्स में कितने कम नंबर आए थे आई वाज ओके आई गॉट लाइक 80 समथिंग नॉट स्पेक्टेकुलर बट गॉट द जॉब डन 80 में ओके नहीं होते ओके ही होते 80 अगर होता तो मेरी फैमिली ढोल वाले बुला के गली में भंगड़ा करवा देती एक तो हम सोच के आंसर देंगे आराम से आंसर देंगे हम अगर हम कंफ्यूज होंगे तो पहले डिस्कस करेंगे बस यही चाहता था मैं यही चाहता था जो आज हो गया नजर ना लगे किसी की पिछले वीडियो में नजर लग गई थी हमें नजर नहीं लगी थी वी वर जस्ट स्लाइटली अनलकी वी वर सो क्लोज अब कोई स्टार्ट करो ना क्या कर रहे हो तुम लोग इन रोमन न्यूमरल्स व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी LM होता था LM और C C सेंचुरी होता था probably C is 100 1000 or 100 but let's go with 100 because centum means C for centum 100 Latin 100 नहीं यार क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं 100 guess मार रहा हूँ क्योंकि C से सेंचुरी रोमन लगता है चल 100 मैं 1000 भी लग रहा था चल 100 C से मैं दिल्ली वाला हूँ मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी और कुछ आ ही नहीं रहा था What is a polygon with three sides called? Oh my God! What is a polygon with three sides called? Oh my God! Oh what is it called? Panic हो रहा है भाई। तो नहीं होता है। Oh shit! नहीं। Circle? Hexagon होता है। Triangle होता है। Triangle होता है guys चीज़ गए हम चल। Polygon with three sides is called a triangle. We kill it. मुझे cheerleader तो बनना है क्योंकि मैं और कुछ तो कर नहीं रहा। मैं नागिन डांस नचना आए मेरे साथ रह रहे के जॉश भी देसी हो गया है यार नोट उड़ा रहे यार व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 30 100% होगा तो दुगना हो जाता है 150 नहीं था व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 30 ओ इट्स व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 30 What percent of 20 is 10? 50%. हाँ, ठीक है. What percent of 20 is 150? 150%. है ना? तेरा भाई? तेरा तो रोल है. 150%. 150%. ये सही है. तू मेरा स्टुअर्ट ब्रॉड है मेरे को तेरे को देख के गुस्सा आता है और मैं 6 छक्के मारता रहूंगा ट्रायंगल वाले में अच्छा दिया सही आंसर क्या ट्रायंगल शिवम सबसे इजी था मैं कितना काट रहा था अच्छे से देखा मैं वो बता देगा ये वाला मैंने भी कर लिया था मैं ऐसे नीचे लिख रहा था अपने हाथ पे उंगली से मेरे दिमाग में चल रहा था लेकिन जॉर्ज जितना फास्ट न्यू मैथ्स में इसलिए आ नहीं पाया मुझे लेकिन सही जवाब कन्वर्ट 6.84 मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स 6.84 mm टू सेंटीमीटर 0.684 सेंटीमीटर इज 6.84 मिलीमीटर ठीक है गाइस 0.684 सेंटीमीटर्स बिकॉज़ देयर 10 mm इन 1 सेंटीमीटर तू मैं तो मेरे साथ एग्जाम में क्यों नहीं बैठा था क्योंकि शिवम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स व्हाट इज 50 फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता है भाई 50 प्लस 49 प्लस ला 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 ये होता था n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर देयर सम फार्मूला टू दिस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस यू रिमेंबर द फार्मूला 50 एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं विद एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी बोल रहे हैं अभी तक हमारा तुक्का लगेगा ही नहीं हमारा 25 यार ये आश्रम में तुक्का है 25 बट इसका एक फार्मूला होता था तो हमें याद नहीं है फक इट पास व्हाट इज द आंसर 25.5 Find the LCM of 1.20 and 22.5.
Fuck, I don't know. Multiply both of them. 1.20 है ना? So 3 × 4 × 7.5. पता नहीं 22.5 टू का क्या होता है? क्या? 45. क्या कह रहा है? 22.5 टू का हाँ. हाँ 45 होता है. वही आंसर दे देते हैं. 45 नहीं है. 27. I think 90. तू कुछ भी बोल 90 लग रहा है. 90. Then find the value of 6 minus 9 plus 8 into 3 divided by 20. Divided by 20 सही लिख दिया. Divided by 20 मतलब होगा minus 20. Plus means multiply. Minus means plus, yeah. Multiplication means divide, yeah. And divide means minus. Okay. मात्र बता गया guys. मैंने actually बता दिया. जल्दी कर उसको calculate करता रहे ना. 8 divided by 9. Divided by 3 minus 20. Yeah. How do you fucking do? Odd mass bracket है नहीं. Division. Division. अगर आंसर 1 या 0 आ गया ना कसम से का दिमाग खराब हो जाएगा. 3 8s are 24. 30 minus equal to 10. The answer is 50. Fuck यार, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें उनसे हरा सकता है हमारे यूजर्स मिस्टेक की वजह से, इसलिए हम बच्चे हैं. कोई बात नहीं, it's fine. What comes after a million, billion and trillion? No, but let's go for it. Quintillion. Quintillion, 100 होगा. Quadrillion, something कुछ Quintillion. नहीं होता. Quintillion. 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 I think, I don't know. पता नहीं quadrillion या zillion होता है. Zillion होगा. क्या बोले quadrillion? हम तो भाई हिंदी वाले. लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति. बस. उससे आगे तो बन नहीं पाया. अनगिनत. I don't know if quadrillion is a right word. Yeah. I know quintillion is a word. So let's go with quintillion. क्योंकि quadrillion कभी सुना भी नहीं है. Zillion होता होगा इसका आंसर. पक्का? पक्का क्वाड्रिलियन तो नहीं होता है. क्वाड्रिलियन होता है. ज़िलियन. चल ज़िलियन. पवित्र बोल रहा है तो ज़िलियन. पता नहीं. ज़िलियन. क्वाड्रिलियन इज़ द राइट आंसर. चे. I'm sorry यार. शिवम, I'm really sorry. शिवम, I'm really sorry भाई. आज तो हमने बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स की वजह से टाई किया ना. हम एलसीएम भूल गए. हम क्विंटिलियन और क्वाड्रिलियन में कंफ्यूज हो गए. शुड हैव गॉन विद यू मैन. शिट. शिवम पहली बार लॉजिक के हिसाब से चला था. ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आना चाहिए था. मैं चला था तो देसी बने के हिसाब से जिलियन बोलते थे चाहे कहीं पे. इस टाई को ना ज्यादा लंबा नहीं ले जाते, आज ही खत्म करते. हां, लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ. यस, लेट्स जस्ट कॉल देम. अभी टाई ब्रेकर. अब टाई ब्रेकर का टाइम है. सवाल सुनते ही वी नीड टू क्लैप. जिसने पहले क्लैप किया वो जवाब देगा. अगर जवाब गलत दिया तो दूसरा बंदा जवाब देगा. अगर जवाब सही दिया तो जीत गए. बहुत सही. ग्रेट आइडिया. हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? जोशुआ मोरेस. सही जवाब बता देना. जीत गए. ऑल ऑफ अस एग्री. ऑलबट्टा ही होगा. ओपन होगा यार. हाँ, हम रामानुजन. रामानुजन और आगे बढ़ता तो रामानुजन. रामानुजन फादर ऑफ मैथ्स. यूक्लिडीज. सही तो दे दिया मैंने. पाइथागोरस. आर्किमिडीज. न्यूटन. फादर ऑफ मॉडर्न मैथ्स. आर्किमिडीज बोल दे. आर्किमिडीज. आर्किमिडीज. ग्राउंड वापस आ गया ब्रो. ओह फक. या और अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया जल्दी जाकर डाउनलोड करो. हाँ यार, क्योंकि अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ऐसे सारे वीडियोस आप बाकी सबसे पहले देख सकते हो. तो खुद भी डाउनलोड करो, फ्रेंड्स को बोलो, फैमिली को बोलो, तुम भी कुछ बोलो. लाइक करो. लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट में हैशटैग टीम साइंस रिप्रेजेंट ब्रो सबके साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. ओके, जस्ट इट को.